नमस्कार बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 में भारत की तकनीकी क्षमताओं और बढ़ती निर्माण क्षमता को उजागर किया। डायमेंशनल पावर के रूप में देश की सुधारवादी सरकार निर्माण क्षमता और महत्वाकांक्षी बाजार की उपलब्धता को रेखांकित किया। एक दिवसीय दौरे पर पुणे पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा, मैंने CAA NRC का विरोध किया तो नीतीश कुमार ने मुझे जदयू से निकाल दिया। जदयू मुसलमानों की हक की बात करती है पर संसद में वक्फ कानून का समर्थन भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और यूक्रेन यात्रा ने युद्ध में शांति की उम्मीदें बढ़ा दी है। मोदी ने दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान युद्ध विराम की संभावना पर जोर दिया और बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों को देशद्रोही बताया। मांझी ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका कहना है कि गांधी का बयान भारत विरोधी है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में करीब 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। CBI से जुड़े करप्शन केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी कल अपना फैसला सुनाएगी। शिवसेना ने मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार और प्रमुख नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने मणिपुर के हिंसा के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना भी की है। मंकी पॉक्स वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियां सभी लोगों से इस संक्रामक रोग से बचाव के उपायों की अपील की जा रही है। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ यह संक्रमण अब US और UK में भी फैल चुका है। बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसने सभी लोगों को चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में पिछले 6 महीने में हत्या की 175 घटनाएं हुई हैं। इसको लेकर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने एक सुझाव भी दिया है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी नजमुल हसन शांतो करेंगे। टीम में नई रणनीति और खिलाड़ियों के चयन से उत्साहजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि मदरसों में बच्चों को उचित और व्यापक शिक्षा नहीं मिल रही है। आयोग ने आरोप लगाया है कि संस्थान बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल होकर बच्चों की शिक्षा की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिहार शरीफ के पक्की तालाब प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शाहनवाज और उनके साथ एक अन्य व्यक्ति प्रेमन चौधरी को पुलिस ने शराब पीते गिरफ्तार किया है। दोनों सिलाव इलाके की हैदरगंज कड़ाह के रहने वाले हैं। UADAI आपको फ्री में आधार कार्ड अपडेट करवाने का मौका दे रही है। 14 सितंबर तक आप ऑनलाइन फ्री आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं। 24 सितंबर के बाद आपको आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाने के लिए फीस चुकानी होगी। फ्री अपडेट के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। महाराज सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ ने फैकल्टी पदों के लिए भर्ती निकाली है जिसमें 75 पदों पर चयन होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 23 सितंबर। आवेदन करने के लिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट हमारे दिखाए गए स्क्रीन पर वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मलाइका अरोड़ा के सौतेले पिता अनिल मेहता का अंतिम संस्कार मुंबई की सांत्रा कुंज हिंदू शमशान घाट में हुआ। बता दें उनके पिता ने बुधवार को बांद्रा वाले घर की बिल्डिंग की छत से कूदकर कथित तौर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6ठी और 7वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी सभी 90 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने कालका से वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गुर्जर, पंचकुला से प्रेम गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अंबाला सिटी से केतन शर्मा, मुलाना से गुरतेज सिंह, शाहबाद से आशा पठानिया को उम्मीदवार बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जिनेवा दौरे पर है। वे विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय तौर पर जुड़ा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली की लीडरशिप की सराहना की, कहा कि कोहली ने भारतीय क्रिकेट में क्रांति ला दी है। 2014 से 2022 तक कप्तान रहते हुए कोहली ने टीम को विदेशों में जीत की प्रेरणा दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर में तरंग शक्ति के दौरान भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत दौरे पर आई वायु सेनाओं को रक्षा विनिर्माण उद्योगों का प्रत्यक्ष अनुभव हासिल करना चाहिए। डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती का इंतजार कर रहे आम लोगों के लिए ताजा अपडेट सामने आया है। पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन ने बताया कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं तो सरकारी तेल कंपनियां होली के बाद दाम में कटौती पर निर्णय ले सकती हैं। एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर ने दिल्ली से तिब्बती नागरिक छिंजो थारचिन उर्फ चंद्रा ठाकुर उर्फ तंजीम को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज के जरिए भारतीय पासपोर्ट बनवाकर साइबर फ्रॉड कर रहा था। आरोपी ने भारतीय नाम चंद्रा ठाकुर अपनाया था और करोड़ों की साइबर ठगी की थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्वीट शॉप में गुरुवार को हंगामा मच गया, जब ग्राहकों को समोसे में मेढक की टांग मिली। दुकानदार ने इसे गिरा हुआ बताकर बहस को बढ़ा दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान, जो ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज से जूझ रही हैं, गणेश उत्सव के दौरान एकता कपूर के घर पर पहुंची। बीमारी के बावजूद हिना ने गणपति के दर्शन किए और भीड़ से बचने के लिए कैमरों से दूर रही। उनकी इस बहादुरी और मजबूत हौसले की खूब सराहना हो रही है। एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने घोषणा की है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करेगी। शर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीनों में टीम ने महत्वपूर्ण सीख हासिल की है और कंप्लायंस को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले 100 दिन के एजेंडे का प्रचार करने के बाद भी उनकी गठबंधन सरकार के 95 दिनों में देश गंभीर निष्क्रियता का सामना कर रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू वित्त वर्ष में 6 लाख सीएनजी वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की तुलना में 25% अधिक है। कंपनी ने अपने सीएनजी पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए प्रीमियम हैचबैक स्विफ्ट का एस सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी सभी प्रकोष्ठों को भंग करने के बाद नए अध्यक्ष और प्रभारी की नियुक्ति की है। 12 सितंबर को 13 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही 2 परमंडल प्रभारी और 243 विधानसभा सीटों पर भी नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस संदर्भ में एक पत्र भी जारी किया है। राजस्थानी लोक संगीत के प्रसिद्ध कलाकार मांगे खान का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे बाड़मेर बॉयज बैंड के हेड वोकलिस्ट थे और उन्होंने राजस्थानी लोकगीतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। मांगे खान ने 20 से अधिक देशों में 200 से ज्यादा प्रस्तुतियां दी थी। रिदम सागवान सीजन के आखिरी ISSF विश्व कप फाइनल में 2 स्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाली अकेली भारतीय निशानबाज होंगी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने 23 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जो 13 से 18 अक्टूबर तक करणी सिंह निशानेबाज रेंज में प्रतिस्पर्धा करेंगी। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक के बाद 3 महीने का ब्रेक दिया गया है। 11 सितंबर तक टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जिनकी नेटवर्थ $248 अरब है। हालांकि मेटा प्लेटफॉर्म के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ में तेजी से वृद्धि हो रही है और उनकी कुल संपत्ति $179 अरब तक पहुंच गई है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचने के बाद आज भारतीय दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसका वीडियो भी सामने आया है। पीएम मोदी पैरा एथलीट्स से हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इतिहास रचने वाले एथलीट्स और उनके कोच की जमकर तारीफ की है। आज के लिए बस इतना ही। कल जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनका नाम है श्याम साव, बाबूलाल मरांडी, पंकज कुमार, गणेश पांडे, मोहम्मद सागिर हुसैन, सपना कुमारी, दीपक कुमार, राम बाबूदास, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार।